सम ऑफ वेरी बेसिक टर्म्स जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं और बायोलॉजी में बार बार उनका इस्तेमाल होता है, उनके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर पोस्टीरियर. ठीक है, एंटीरियर इज आगे, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, अगवाड़ा पिछवाड़ा, सिंपल. ठीक है, ऐसे याद है डिस्टल और प्रॉक्सिमल. डी से डिस्टल, डी से दूर. ठीक है, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास. सो अगर मैं अपना हाथ ऐसे स्प्रेड करती हूँ, आप अपना हाथ अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हो, तो उंगलियाँ आपकी मेन बॉडी के एक्सिस से दूर हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल. ठीक है, दूर जो है पार्ट बॉडी के मेन एक्सिस से जो पार्ट दूर है दैट इज कॉल्ड डिस्टल. एंड जो पार्ट पास है जैसे शोल्डर हो गया, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल. एक और टर्म है अडैक्सियल अबैक्सियल. अडैक्सियल सर्फेस प्लांट्स की बात कर रही हूँ, लीफ में होता ज़्यादातर. अडैक्सियल बोला डी आर है. ठीक है, अडैक्सियल डी डॉर्सल साइड हो गया, अबैक्सियल बी, अबैक्सियल बी वाला है जिसमें वो बेस हो गया, बी फॉर बेस, बी बी आता है आपके अबैक्सियल की स्पेलिंग में. तो अडैक्सियल इज द डॉर्सल, द अपर साइड, एंड अडैक्सियल इज द डॉर्सल साइड, द अपर साइड, अबैक्सियल इज द लोअर साइड. ठीक है, बेस. इसके अलावा एक्रोपिटल, बेसिपिटल, ए से एपेक्स, बी से बेस अगेन. सो जो यंगेस्ट फ्लावर होगा अगर वो एपेक्स में प्रेजेंट है, ए से एपेक्स हो गया, तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में मिलेगा. अगर बी से बेसिपिटल और बी से ही बेस, अगर यंगेस्ट फ्लावर बेस पे है तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस हो गया. ठीक है, सो आई होप दीज आर क्लियर अगेन.